दोस्तों सब्सक्राइब करें ये एक्स मनाना यूट्यूब चैनल को और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए अपने मोबाइल पर इस बेल आइकन पर क्लिक करें। दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं ये आसूस का फोन है और इसका जो मॉडल नंबर है Z010D, ठीक है। तो ये मोबाइल का जो वीडियो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर, तो ये वीडियो जो है हमारा नहीं है, ये मेरे एक सब्सक्राइबर का है और नागपुर से इन्होंने जो भेजा है हमें व्हाट्सअप पर, हमारे व्हाट्सअप नंबर पर इन्होंने ये वीडियो भेजा है। इसका नाम है मलिक, ठीक है। इन्होंने ये हमें कहा कि भाई जो इस मोबाइल का जो हम FRP लॉग है, इस मोबाइल का FRP हम अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो आप जो है ऑनलाइन इस मोबाइल का FRP अनलॉक करके दें हमें। तो दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि इस मोबाइल का FRP आज हम अनलॉक कर देंगे UMD डोंगल से। दोस्तों पहले आप थोड़ा इस वीडियो को देख लें, ये दिखा रहा है कि इसमें जो है FRP लॉक है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस मोबाइल का जो इन्होंने जो है टच भी जो है चेंज कर दिया है, इसमें नया टच लगा हुआ है इस मोबाइल के अंदर में, और इस मोबाइल के अंदर में जो है FRP लॉक है। तो दोस्तों इस मोबाइल का हम जो यहाँ से ऑनलाइन जो इसका FRP आज अनलॉक कर देंगे UMD डोंगल से। तो दोस्तों आप वीडियो के साथ बने रहिए और आपको बताते हैं कि इस मोबाइल को कैसे आपको जो कंप्यूटर से बूट कराना है और कैसे इसे बूट मोड में लाना है। तो मोबाइल को पहले आपको ऑफ कर देना है, ठीक है, पूरी तरह से मोबाइल को आपको ऑफ कर देना है। उसके बाद इसका मोबाइल का जो वॉल्यूम प्लस है उसके बाद पावर की है, दोनों को कंटिन्यू आपको सेम टाइम आपको दबा के रखना है, और जैसे आप दबा करके रखेंगे उसके बाद इसमें जो है CSC मोड आ जाएगा। तो दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं कि इस मोबाइल में जो है CSC मोड आ चुका है। इसमें फास्ट बूट जो है लिखा हुआ यहां पे नहीं है, CSC मोड लिखा हुआ है। तो आपको CSC मोड में ही जो है आपको अपने कंप्यूटर से जो है इस मोबाइल को कनेक्ट कर देना है डाटा केबल से, और कुछ नहीं करना है इस मोबाइल को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मिरेकल करेक्ट 2.58 अगर आपके पास है तो उससे भी आप इस मोबाइल को अनलॉक कर सकते हैं। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको जो है मिरेकल बॉक्स में एंड्रॉइड टूल में जाना होगा, उसके बाद आपको फास्ट बूट मेथड आपको सेलेक्ट करना होगा वहां पे एंड्रॉइड टूल में। उसके बाद वहां पे USB डिबगिंग इनेबल का ऑप्शन है, वहां पे आपको ADB इनेबल देना है। उसके बाद आपको एंड्रॉइड टूल में ही ADB एक्स्ट्रा में जाना है मिरेकल बॉक्स में, और वहां पे मोटोरोला FRP रीसेट का ऑप्शन जो है उसे सेलेक्ट करके आप जो है FRP रीसेट कर सकते हैं इस मॉडल का, ठीक है। और मान के चलिए अगर आपके पास मिरेकल बॉक्स नहीं है, UMT डोंगल है, तो आप UMT डोंगल से अभी इसे अनलॉक कर सकते हैं, और मैं इस वीडियो में आपको अभी यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम पहले यहाँ पे UMT डोंगल का अल्टीमेट मल्टी टूल जो है इंटरनेशनल सेटअप, ठीक है, जो अभी लेटेस्ट वाला आया है इंटरनेशनल सेटअप 4.8, इस सेटअप को जो है आपको ओपन करना है। और इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि एंड्रॉइड यहाँ पे जो है जो दिखा रहा है उसका, इस मोबाइल का, ठीक है, आसूस का। उसके बाद आपको यहाँ पे मिसलेनियस पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको मोटोरोला FRP रीसेट पे क्लिक करके और आपको यहाँ पे FRP रीसेट देना है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे फेल हो रहा है, ये पोर्ट जो है कनेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, ये पोर्ट को पकड़ नहीं रहा है, मोबाइल को पकड़ नहीं रहा है। चलिए हम दोबारा यहाँ पे फिर से ट्राई करते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं मोबाइल जो है बूट कर चुका है, और मोबाइल का जो यहाँ पे जो मॉडल नंबर दिखा रहा है और एंड्रॉइड वर्जन भी दिखा रहा है, ठीक है, और मोबाइल का FRP जो यहाँ पे अनलॉक हो चुका है। तो चलिए अब हम आपको उस मोबाइल को दिखाते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं मोबाइल का FRP अनलॉक हो चुका है, और इसका भी वीडियो जो है मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे व्हाट्सअप पर भेजा और मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम होता है FRP अनलॉक करने में किसी मोबाइल का, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं, और ऑनलाइन जो है मैं उस मोबाइल का FRP यहाँ से अनलॉक कर दूंगा और उसका वीडियो बना करके मैं अपने YouTube चैनल पर अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।